हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ से रिलेटेड पांच ऐसे प्रश्न जो आपके मैट्रिक एग्जाम, जो अभी मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, चूँकि आखिरी वीडियो के अंत में एक दो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बनाकर उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इस वीडियो में पूरे प्रश्न को सीखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं सभी क्वेश्चन। जो एक पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य भुजा ज्ञात करें। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया भी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हालांकि इसको बनाने के लिए कभी 5 नंबर में भी आता है, कभी 3 नंबर में भी आता है। तो बहुत ही सिंपल है इसको बनाने के लिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपका समीकरण वाला, क्या जो भी आपका जो लॉन्ग यानी क्वेश्चन जो लिखा होगा, जो लॉन्ग में होगा, देखिए यहाँ पर भी ये 2 लाइन में आता है। तो इसको आप बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा कि क्वेश्चन दिया क्या गया है। तो यहाँ पर दिया गया एक समकोण त्रिभुज की ऊँचाई। तो जैसे दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो सबसे पहले समकोण का बात आया तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक बना रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका सी, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए हैं। उसके बाद में अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन बोला किया गया है। अब दिया गया एक समकोण त्रिभुज की ऊँचाई, देखिए ऊँचाई ये होता है, ठीक है, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार। तो दिया गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी ए बी आधार से 7 कम है, यानी ये आधार है इससे ये 7 कम है। यदि कर्ण 13 हो, यानी 13 कौन है, ये है कर्ण जो 13 सेमी है ये, तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल में कि माना कि, ठीक है, माना कि। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई आधार से 7 कम, तो आधार तो मालूम है या नहीं। तो हम सबसे पहले मान लेंगे बी सी, लिखेंगे माना कि बी सी बराबर एक्स, यानी ये हम एक्स माने हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर आधार से 7 सेमी कम है, तो अगर ये एक्स होगा तो ये एक्स माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7, यानी ये x माना गया है तो ये हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब उसके बाद में आपको बनाना कैसे है, और दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में ए सी यानी जो कर्ण है वो कितना दिया गया है, तो ये 13 सेमी दिया गया है। यहाँ तक भी आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में आपको लिखना है प्रश्न से अब प्रश्न बोला किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या होता है कि ए बी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर होता है आपका प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर बराबर होता है ए सी का स्क्वायर। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में देखिए ए बी, तो ए बी, ए बी का मान हम लोग कितने माने हैं, एक्स माइनस 7। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 7, यहाँ पे है स्क्वायर तो यहाँ पे भी देना होगा स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस है तो लिखेंगे प्लस और बी सी स्क्वायर, तो बी सी का मान यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हम लोग माने हैं x, तो यहाँ पे लिखेंगे x, इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी हम दे देंगे स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर। तो ए सी का मान आप देख पा रहे होंगे कि ए सी का मान यहाँ पे है 13 जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लिखेंगे 13, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी दे देंगे स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद वाले लाइन में क्या करना है कि यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है, यानी ए माइनस बी के फॉर्मूला पे ये बैठ सकता है। तो बनाने के लिए हम लिखेंगे ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, चूँकि ये इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ए माइनस बी के फॉर्मूला में होता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तब माइनस 2 ए, ए का मान एक्स गुने बी, तब बी का मान है 7। अब प्लस बी का स्क्वायर यानी प्लस 7 का स्क्वायर, फिर प्लस है एक्स स्क्वायर तो हम भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर और बराबर 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आपको मालूम होगा 169 होता है, ठीक है। उसके बाद वाली लाइन में आपको क्या करना है,
कि उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए दो में सात से गुणा कर देना है तो सात दूनी चौदह हो जाएगा, एक्स का एक्स होगा, फिर है प्लस तो प्लस लिखेंगे, और है सात का स्क्वायर तो सात सत्ते उनचास, प्लस है तो प्लस, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं बराबर एक सौ उनहत्तर तो एक सौ उनहत्तर। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस में है और यहाँ पे भी प्लस में है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, माइनस है तो हम भी लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे देखें तो चौदह एक्स है तो हम भी लिख देंगे चौदह एक्स। ठीक है, उसके बाद में प्लस उनचास है तो लिखेंगे प्लस उनचास। उसके बाद में देखें तो प्लस एक सौ उनहत्तर है तो इधर हो जाएगा माइनस एक सौ उनहत्तर, तो इधर बचेगा जीरो। उसके बाद वाली लाइन में आपको क्या करना है कि टू एक्स स्क्वायर को तो टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, माइनस का माइनस लिखेंगे, चौदह एक्स का भी चौदह एक्स लिखेंगे। अब देखिए उनचास में से आपको एक सौ उनहत्तर घटाना है तो उनचास में से अगर आप एक सौ उनहत्तर को घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस एक सौ बीस बराबर जीरो, हो गया। उसके बाद में क्या करना होता है कि अगर जो सभी में ऐसा वर्ड ऐसा अंक जो सभी में भाग लगा रहा है वो हम कॉमन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखें तो दो से अगर कॉमन दो कॉमन कर ले तो यहाँ पे बचेगा दो एकम दो यानी एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस है तो माइनस, और सात दूनी चौदह तो यहाँ पे बचेगा सात एक्स, माइनस है तो माइनस, और एक सौ बीस है। ठीक है, तो एक सौ बीस का आधा होता है साठ, इधर बचेगा बराबर जीरो। एक बात यहाँ पे देखिए ये गुना में है दो तो इधर आ जाके भागा में दो हो जाएगा तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा वह होगा ये वाला, यहाँ पे उतार देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स माइनस साठ बराबर जीरो। अब यहाँ पे आपका समीकरण आ गया है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, गुणनखंड विधि से निकाले या कोई भी विधि से, जैसे यहाँ पे मैं आपको द्विघाती सूत्र से निकालने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ए का मान देखें एक है, बी का मान माइनस सात है तो लिख देंगे माइनस सात, सी का मान है माइनस साठ तो लिख देंगे माइनस साठ। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है कि डी निकालना होता है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो देखिए बी का मान यहाँ पे कितना है माइनस सात है तो लिख देंगे माइनस सात का स्क्वायर माइनस फोर गुने ए का मान है एक और गुने सी का मान है माइनस साठ। तो देखिए सात सत्य उनचास हो जाएगा और यहाँ पर माइनस देख पा रहे हैं और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा कि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। और उसके बाद में साठ में आपको चार से मल्टीप्लीकेशन कर देना है यानी गुना कर देना है, तो जाहिर सी बात है छः चौका चौबीस और यहाँ पे एक जीरो है तो इसका भी यहाँ पे एक जीरो बैठा सकते हैं। तो 240 में जब उनचास आपको जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 289। ठीक है, 289 हो गया है। उसके बाद में जो मूल वाले फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मूल बराबर, ठीक है, तो मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा टू ए। तो देखिए माइनस बी, अब पहले से भी मान है बी का माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ के केवल सात लिख सकते हैं प्लस माइनस और रूट डी, तो रूट डी का मान अब यहाँ पे कितना आया है देखिए यहाँ पे 289 आया है तो हम लिखेंगे 289। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि अगले लाइन में बटा टू ए है यानी दो गुने ए का मान, तो ए का मान एक है तो लिखेंगे एक, फिर बराबर और देखिए यहाँ पे सात प्लस माइनस है तो लिख देंगे सात प्लस माइनस और 289 का वर्गमूल 17 होता है बटा दो एकम दो। तो अब अल्फा का मान और बीटा का मान आपको निकाल लेना है या एक्स का मान दो को जो निकाला जाता है वो आप कोई भी निकाल सकते हैं। तो ए को में आपको लेना होगा सात प्लस सत्रह बटा दो, ए को लेना होगा सात माइनस सत्रह बट्टा दो, तो ये जो आपका मान इसमें का आएगा वह होगा दोस्तों माइनस में, जो आपका आंसर सही नहीं होगा। तो यहाँ पे सत्रह और सात को देखें तो जो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है तो मूल को ज्ञात करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्रह और सात होता है चौबीस
बटा दो, ठीक है। तो ये 24 बटा 2 हो जाएगा और कट के 12 आएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 12 आपका आया x का मान, तो पहले जो आप त्रिभुज बनाए थे ये x माना गया है, यहाँ पे 12 आ गया है। तो जब 12 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x माइनस 7 लिखा गया, हालांकि ये नीचे लिखना है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, x का मान 12 है तो लिखेंगे 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 घटता है तो आता है 5। तो इस तरीके से आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो एग्जाम में भी अगर आपको यह प्रश्न आता है तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलने ही वाला है, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं एक अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि आपके पास भी ये शेयर किया जाए। तो इसको बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, दिया गया है कि मूलों की प्रकृति निकाले, ये भी यही इसी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो मूलों की प्रकृति निकाले, क्वेश्चन है 5x² - 4x + 2 = 0। तो इसको भी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ए बी सी का मान लिख लेना होगा। जैसे ए का मान यहाँ पे 5 है तो 5, बी का मान -4 है तो -4, और सी का मान 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद में क्या करना है कि डी निकाल देना है। फॉर्मूला होता है b² - 4ac, जो अभी पहले क्वेश्चन वाला में हम लोग बनाए थे। तो देखिए b² तो b का मान यहाँ पे हम देखें तो -4 है, तो लिखेंगे -4² - 4ac, यानी 4 गुने a का मान जो 5 है, देखिए तो हम लिख देंगे 5, और गुने c का मान, तो c का मान है 2, तो लिखेंगे 2। तो 4² होता है 4 × 16, माइनस हो तो हम लिखेंगे माइनस, और 5 × 20, और 20 × 40। तो देखिए अब 16 में से 40 घटाएंगे तो आपका आएगा -24, ठीक है। तो -24 यानी डी ग्रेटर देन, ये डी बड़ा हो गया 0, डी से बड़ा 0 हो गया। तो इस परिस्थिति में हमको लिखना पड़ता है कि मूल वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना होगा एग्जाम में कि मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मूल काल्पनिक है, दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो उसके बाद में देख लेते हैं दो, हालांकि इस वीडियो में 2 अभी प्रश्न बाकी हैं जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो उस प्रश्न को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को देख के और सॉल्व कर लेते हैं कि उसे बहुत ही आसान तरीके से कैसे हल करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 2x + 9 का रूट अंडर = 13 - x को हल करें। तो ये क्वेश्चन हालांकि 2012 में भी पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैक निकाल के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, इस अब की बात जो एग्जाम होने वाला है मैट्रिक में, तो ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो आपको इसको बहुत ही आसानी तरीके से बनाने का तरीका सीख लेना चाहिए, चूँकि हो सके तो एग्जाम में आ सकता है। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, देखिए कैसे बनाते हैं। आपको लिखना होगा कि दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे देखिए लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ऐसा लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो दिया गया है दोनों ओर वर्ग कैसे करेंगे, तो दिया गया है 2x + 9, और यहाँ पे दिया गया है 13 - x, यानी इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, बीच में है बराबर का निशान। तो अब क्या करना है कि स्क्वायर करते वक्त आपको मालूम है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2x + 9, यहाँ पे आपको a - b के फॉर्मूला में बैठाना होगा, जो अभी हम लोग समकोण त्रिभुज वाला क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं। तो a² यानी यहाँ पे देखें तो 13 - x दिया गया है ना, तो इसको बनाने के लिए कर देंगे a² यानी 13² - 2ab, यानी 2 × a का मान, तो यहाँ पे 13 है, गुणे b का मान x है, अब प्लस b का स्क्वायर यानी प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। 2x दिया गया है तो 2x + 9, इसको सेम टू सेम आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए 13² तो 13 × 169 होता है, माइनस है तो हमें लिखेंगे माइनस, और 13 × 26 हो जाएगा, और x का x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस x² का x². अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको शुरुआत करना है। देखिए सबसे बड़ा घटांक यहाँ पे कितना है, x² है, तो हम लिखेंगे x², फिर माइनस है 26x, तो हमें लिखेंगे 26x। यहाँ पे देखें तो प्लस 2x है, तो इधर हो जाएगा -2x, और यहाँ पे देखो तो 169 है जो कि प्लस में है, तो लिखेंगे 169,
और प्लस नौ है तो इधर हो जाएगा माइनस नौ बराबर जीरो, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस छब्बीस एक्स और प्लस टू एक्स प्लस एक सौ उनहत्तर और माइनस, ये चूंकि प्लस नौ है तो इधर हो जाएगा माइनस नौ। उसके बाद वाली लाइन में आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो हम भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है तो लिखना होगा माइनस और छब्बीस एक्स है और प्लस टू एक्स, तो आपको मालूम होगा कि छब्बीस और दो मिल के अट्ठाईस हो जाएगा। यहाँ पे एक्स है तो लिख देंगे एक्स, फिर प्लस है, एक सौ उनहत्तर में से नौ को घटाना है तो देखिए एक सौ उनहत्तर में से नौ घटाएंगे तो एक सौ साठ बचेगा बराबर जीरो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि डी निकालना है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो बी स्क्वायर, देखिए बी का मान है माइनस अट्ठाईस, तो लिखना होगा चूंकि ये ए का मान होता है, ये बी का मान और ये सी का मान, ये पहले वाले वीडियो में आप समझ चुके होंगे या इसी वीडियो का जो पहला क्वेश्चन था ना उसमें आप समझ चुके होंगे कि ए बी सी और ए बी सी ये कौन होता है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो देखिए बी का मान यहाँ पे है अट्ठाईस जो कि माइनस में है, तो हम भी लिखेंगे अट्ठाईस का स्क्वायर माइनस फोर गुने ए का मान, ए का मान एक है और गुने सी का मान एक सौ साठ है, तो अट्ठाईस का स्क्वायर लिखना होगा। तो अट्ठाईस को हम क्या करेंगे, वर्ग निकालने के लिए अट्ठाईस को अट्ठाईस में गुना कर देंगे, ठीक है। तो अट्ठाईस में अट्ठाईस से गुना करेंगे तो हमारा आएगा सात सौ चौरासी, फिर माइनस है और एक सौ साठ में हमको करना है चार से गुना, तो सीधे छः चौका सोलह चौका चौंसठ और एक जीरो है बैठा देंगे। तो देखिए सात सौ चौरासी में से आपको छः सौ चालीस को माइनस करना है तो आपका आएगा एक सौ चौवालीस, ठीक है। तो यहाँ तक बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा कि मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पहले भी मैं बता चुका हूँ कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा टू ए। देखिए माइनस बी और बी का मान ही पहले से माइनस में है तो हम माइनस ना लिखकर केवल अट्ठाईस लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट डी, तो रूट डी का माना है एक सौ चौवालीस, तो लिखेंगे एक सौ चौवालीस बटा टू ए यानी दो गुने ए का मान, तो दो गुने ए का मान एक है तो हम लिखेंगे एक, अट्ठाईस का अट्ठाईस लिखना होगा प्लस माइनस और एक सौ चौवालीस का वर्गमूल यहाँ पे आपका हो जाएगा बारह, चूँकि एक सौ चौवालीस का वर्गमूल बारह होता है तो लिखेंगे बारह बट्टा टू ए, तो दो गुने ए बराबर दो ही हो जाएगा। अब अल्फा का मान निकालना है और बीटा का मान निकालना है, यानी एक अल्फा में होता है प्लस और बीटा में होता है माइनस, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि लिखना होगा अट्ठाईस प्लस बारह अल्फा में और अट्ठाईस माइनस बारह बीटा में, यानी आपको लिखना होगा अट्ठाईस प्लस बारह बट्टा दो और एक अट्ठाईस माइनस बारह बट्टा दो, तो अट्ठाईस में बारह को ऐड कर देना है अब बट्टा दो और यहाँ पे अट्ठाईस में से बारह को घटा देना है बट्टा दो, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका समांतर श्रेणी से लिया गया है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आठ के प्रथम पंद्रह गुणजों का योगफल ज्ञात करें, यानी आठ के प्रथम पंद्रह गुणज जो है उसका योगफल ज्ञात करना है, आपका समांतर श्रेणी से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसको हल करने के लिए सबसे देखिए आठ गुणज लिखा गया है, तो हम आठ का गुणज दो चार लिख लेंगे पंद्रह तक लिख, जैसे आठ का आठ, आठ दिन सोलह, आठ का चौबीस, आठ का बत्तीस भी तक कुछ भी लिख सकते हैं, दो डॉट पंद्रह तक लिख। यहाँ पे ध्यान देना है कि पंद्रह पदों का योग पूछा गया है या योगफल पूछा गया है, तो अगर योगफल दिया गया है तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे और पदों का योग दिया गया है तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे यहाँ पे तो हालांकि योगफल दिया गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे पहला पद ए बराबर, देखिए ए बराबर कितना है आठ है तो लिख देंगे आठ। अब डी निकालते हैं, फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू देखिए कितना है सोलह है तो हम लिखेंगे सोलह माइनस ए वन, ए वन का मान है आठ तो लिखेंगे आठ, तो सोलह में से आठ जाएगा तो आठ बचेगा और यहाँ पे जो लास्ट का जो पंद्रह दिया गया है ये है आपका एन का मान। अब क्या करना है, सिंपली एस एन के फॉर्मूला बैठा देना है जो होता है एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, यही फॉर्मूला होता है, तो इस पर बैठा के आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बैठाना है, तो देखिए एन का मान पंद्रह है तो आपको भी लिखना होगा पंद्रह
बटा दो कोस्ट। अब दिया गया टू ए, इसका मतलब हुआ दो गुने ए का मान। तो ए का मान आप देख पा रहे हैं आठ है, तो लिखेंगे आठ प्लस एन माइनस वन, एन का मान यहाँ पे पंद्रह है तो लिखेंगे पंद्रह माइनस वन और गुने डी, तो डी का मान अभी निकला है आठ तो लिखेंगे आठ, ठीक है। अब फिर है पंद्रह बट्टा दो, ठीक है, और आठ दूनी ये सोलह हो जाएगा, फिर प्लस है और पंद्रह में से एक गया तो चौदह, और चौदह में आपको आठ से गुना कर देना है, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे पंद्रह बट्टा दो, हाई ये कोष्ट है, ये कोष्ट हटता है तो यहाँ पे आपको मालूम होगा जब कोष्ट हटाते हैं तो यहाँ पे गुना लिखते हैं। अब यहाँ पे 16 और 14 में 8 से गुना करना है, ठीक है, तो 14 का पढ़ा आप 8 पढ़ेंगे तो 102 होगा, और 102 में आपको 16 ऐड कर देना है, तो यहाँ पे आप 16 का 16 और यहाँ पे 14 में 8 से गुणा करेंगे तो 112 हो जाएगा, और दोनों को आपको ऐड कर देना है तो आपका हो जाएगा 128, ठीक है। तो आप दो से इसको कटा सकते हैं 64 मरतबे, और 64 में आपको क्या करना होगा, आप 15 गुने 64 यानी मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा, तो आप गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वह हो जाएगा 960। तो इस तरीके से आप समांतर श्रेढ़ी वाला भी क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं मैथ का, साइंस का, संस्कृत का, सोशल साइंस का और हिंदी का भी, यानी हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड है। नहीं देखे होंगे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और हमारा सेकेंड चैनल भी है वहाँ पर जिसका लिंक होम पेज पर दिया गया है, वहाँ उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जनरल कंपटीशन के लिए। और हाँ, अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्रत्येक रविवार के दिन यहाँ पर लाइव टेस्ट होता है, तो उस सभी प्रश्न को अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही नए नए वीडियो आपके लिए लाया जाए तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हम जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक नए वीडियो में नए VVI प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।